यस वंदे मातरम भाई और बहनों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ रीजन हरियाणा प्रांत आभार सर और का मुंबई के 17वें भारत को जानो प्रतियोगिता में तेरा पंथ भवन में। मैं हूं पीआर चेयरमैन राम लक्ष्मण नौलखा। आपके स्वागत में हमारी पूरी टीम यहां तैयार है। हमारे सामने है ललित चोपड़ा जी जो टीम को पूरा संचालन कर रहे हैं और टीम को बहुत ही खूबसूरती से अंदाज देकर भारत को जानो प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। भाई और बहनों, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ललित जी, भारत को जानो प्रतियोगिता और काफी सारे प्रोग्राम्स आपने भारत विकास परिषद के जगह जगह आपने ज्वाइन किए हैं, क्या लग रहा है हमारे इस मुंबई प्रांत में आकर मुंबई प्रांत के एक वाइब्रेशन को देखकर लास्ट एक महीने से आप हमारे पीआर टीम में जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? लखा जी, मैं 2010 से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ। मेरा पहला कार्यक्रम 2010 में उदयपुर में था, उसके बाद आगरा में, गंगानगर में और वाराणसी में, भीलवाड़ा में, देवास में काफी कार्यक्रम अटेंड किए नेशनल लेवल के। आज 7वां साल है, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से जो देख रहा हूँ व्यवस्था मुंबई ब्रांच की, मुंबई प्रांत की देख रहा हूँ मैं, तो इतनी खूबसूरत। जब हमने पहली बार टिकट्स बुक करवाई थी मुंबई के लिए, तो मन में डर था कि इतने बड़े शहर में जा रहे हैं, अनजान शहर में जा रहे हैं, पता नहीं कौन हमें अटेंड करेगा, वहां के लोग कैसे होंगे, और हमें जितने मेंबर्स मेरे साथ, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं साथ आ रहे हैं, इनको कौन संभालेगा, उनकी व्यवस्थाएं कैसे लेंगे। लेकिन पिछले 1 महीने से मुंबई प्रांत से इतना संपर्क हुआ, लगातार कोऑर्डिनेशन, आपके फोन आए, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट किया आपके फोन आने स्टार्ट हो गए, आपने फॉलोअप करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अनजान प्रांत में जाना है, इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपके साथ कंटेस्टेंट बच्चे कौन कौन है? ये अभिषेक शर्मा सीनियर वर्ग है, और ये विक्रम ये मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल रतिया से है, सीनियर वर्ग की टीम है। ऑनलाइन के लिए गीता रानी आई है। ओहो, गीता रानी जी वेलकम। बाकी जो आप देख रहे हैं हमारे सब सपोर्टर हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए आया है पश्चिम प्रांत की तरफ से। ओके ओके, बच्चों आप कल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आप जूनियर टीम है, सीनियर टीम है, सीनियर टीम है। आप भारत विकास परिषद की इस प्रोजेक्ट के बारे में, भारत को जानो प्रतियोगिता को निचले स्तर से, स्कूल से, फिर उसके बाद आपने ब्रांच से, फिर आपने प्रांत से, फिर आपने रीजन से कंपटीशन करते करते आज यहाँ नेशनल लेवल पर आए हैं, तो आपको क्या अनुभव हो रहा है कि क्या आपने जोश आया है इस प्रतियोगिता को लेकर? थोड़ा जोर से। हमने पूरी मेहनत की इसके लिए, हम ब्लॉक से, हम स्कूल लेवल से अच्छी मेहनत करते आ रहे थे, उसके बाद हमें आज यहाँ तक पहुँचे हैं रीजन लेवल पार करके, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम चाहेंगे कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे। इस संदेश से सिर्फ आप जीत कर जाएंगे खुद, ये आपका मोटो है, या इस संदेश से भारत को जानो की प्रतियोगिता की जो जानकारी आपको मिली है उसको पूरे देश में हमारी संस्कृति को, हमारी भौगोलिक स्थिति को, हमारी हिस्ट्री को, हमारे कला संस्कृति को क्या फैलाने में और स्कूल्स में और बच्चों में स्प्रेड करने का आप संकल्प नहीं लेते हैं? हम संकल्प लेते हैं कि हमें ये सब कुछ करेंगे जो आपने कहा, हम इसको स्प्रेड करेंगे, हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीय सभ्यता को, और सभी को बताएंगे हमारी भारतीय सभ्यता, ऋषि मुनियों के बारे में कि वो कैसे थे, कितने महान थे, और हम सबको ये प्रेरणा देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे गीता रानी जी? आप ऑनलाइन के कंटेस्टेंट है, कम से कम पूरे इंडिया में सिर्फ हमने 7 या 8 लोगों को आज चूज करके कल कंपटीशन के लिए बुलाया है, तो आप इस कंपटीशन का मकसद से सीख क्या लेते हैं? इसमें जैसे इंडिया के बारे में सारी नॉलेज क्रिएट होती है, क्योंकि अब लगातार स्कूलों में इसके इनसे कुछ हटा जा रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग है ना इंडिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ओके ओके, हमारे साथ है हमारे वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मुंबई प्रांत के श्री राकेश जी ओसवाल। राकेश जी, आप पूरी अकोमोडेशन व्यवस्था में और बल्कि पूरे इंचार्ज के हमारे टीम सीनियर मेंबर हैं, आपको इन सब बच्चों की व्यवस्था करते हुए अकोमोडेशन के लिए रूम अरेंजमेंट, ड्राई किट अरेंजमेंट, सारी व्यवस्था करते कैसा महसूस हो रहा है? भारत विकास परिषद की जो एक खासियत है वो ये है कि जो मेजोरिटी इनके जो प्रोजेक्ट है वो स्कूल के बच्चों के लिए है, और जब स्कूल के बच्चों के लिए आप कोई भी काम करते हो तो आपको इतना आनंद महसूस होता है, वो फीलिंग शायद आप दूसरे किसी भी काम में नहीं ले पाते हो, क्योंकि यही अपने देश के आने वाले टाइम के फ्यूचर है एक्चुअली। और भारत विकास परिषद की वही स्पेशलिटी की जो नींव है, नींव को मजबूत करना चाहिए, और हम वही काम इतने सालों से कर रहे हैं कि नींव को मजबूत करने का आनंद का एक मजा ही अलग होता है, वही मजा हमारी पूरी बोरीवली टीम को, ये सर भी काम करते हैं, और पूरे मुंबई प्रांत की टीम जो करीब करीब 1-2 महीने से, और सभी पार्टिसिपेंट के मुंह से जो एक में जो स्पेशलिटी इस बार सुन रहा हूँ
कि जो फॉलो अप मुंबई प्रांत की तरफ से है और उसमें हमारे जो पीआर टीम के और इस कार्यक्रम के जो को इंचार्ज है श्री नौलखा जी, उनका एक विशेष धन्यवाद मैं अपने आपके पूरे प्रांत की तरफ से भी देना चाहूंगा कि जो कोऑर्डिनेशन उन्होंने टीमों के साथ किया है वो शायद किसी और के लिए इतना पॉसिबल नहीं, इतना क्लोज जो हुआ है उससे एक अपनत्व की भावना ये आने के पहले से ही सभी टीम मेंबर को ऐसा लग रहा है कि हम किसी जानकार जगह जा रहे हैं, मतलब क्योंकि उन्होंने इतनी बार फॉलोअप किया है ना कि सभी को एक ऐसा लग रहा है कि अपनी ही जगह जा रहे हैं, वो एक बहुत स्पेशल। भारत विकास परिषद का मोटो भी है कि हम सेवा सहकार संपर्क संस्कृति के द्वारा न केवल अपना बल्कि समाज का देश का और पूरे विश्व का कल्याण करें। आइए चलते हैं रजिस्ट्रेशन टीम के पास जहां वेट कर रही है निर्मला जी कौशिक और सुमन बियाला जी और रेखा जी, उनको कैसा लग रहा है रजिस्ट्रेशन टीम के हिसाब से आज सुबह से जो टीम आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे दो शब्द में? रजिस्ट्रेशन करते हुए खुशी हो रही है, हम अलग अलग प्रांत से अलग अलग जगह के लोगों से मिल रहे हैं और वहां से आने वाले बच्चों का जो उत्साह है उसको देख के हमारा उत्साह दुगुना हो गया। बहुत खूब निर्मला जी कौशिक पूरे लगे हुए हैं, आप बताइए। मुझे भी इन सभी बच्चों से अलग अलग जगह से लोग जो आए हुए हैं उनका उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है, उनको भी यहाँ पे आके बहुत खुशी मिल रही है और हम लोग उनको उत्साहित कर रहे हैं ताकि वो पूरे अपने जोश खरोश के साथ में आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है। आइए ललित जी के साथ एक बार वंदे मातरम और जय जयकार करें, भारत माता की जय बोले। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। और भारत को जानो 17वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए क्या बच्चे तैयार हैं? तो बताइए देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। और ये लोकेशन जो जहां आप आए हैं आज उस लोकेशन का नाम क्या है? हाँ जी, इट इज कांदीवली ईस्ट एंड तेरा पंथ भवन। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कल क्विज में पूछा जा सकता है। वंदे मातरम, धन्यवाद, बहुत बहुत वंदे मातरम।